हेलो स्टूडेंट आई होप यू आर डूइंग वेल मेरा नाम है निशू और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग प्लेटफॉर्म में आज का हमारा टॉपिक है डेट इज़ द ग्रीन एलगी इस वीडियो के अंदर हम ग्रीन एलगी के कुछ करैक्ट्रिस्टिक्स फीचर के बारे में पढ़ेंगे इससे पहले वाली वीडियो में हम एल के जर्नल कैरेक्टरस्टिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं साथ ही में हम प्लांट क्लासिफिकेशन और डिफरेंट टाइप की एल के बारे में भी पढ़ चुके हैं अगर आपने मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें साथ ही में मैंने उन वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बॉक्स में भी दे दिया है तो आप वहाँ से भी उन वीडियो को देख सकते हैं सो लेट स्टार्ट सबसे पहले ग्रीन एलगी किस क्लास के अंडर आती है तो ग्रीन एलगी की जो क्लास होती है वो होती है क्लोरोफाइसी ग्रीन एलगी के जितने भी मेंबर होते हैं वो क्लोरोफाइसी क्लास के अंडर आते हैं इसके अलावा मेजोरिटी ऑफ द स्पीसीज़ इन दिस ग्रुप आर फ्रेश वाटर इसके अलावा ग्रीन एलगी के जितने मेंबर होते हैं उसमें से मेजोरिटी ऑफ स्पीसीज फ्रेश वाटर होती हैं उसके अलावा कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जो मेराइन वोटर होती हैं जैसे कि एसिटेबुलेरिया जो लार्जेस्ट प्लांट सेल भी कहा जाता है इसके अलावा कोडियम और अलवा भी मेराइन वोटर स्पीसीज होती हैं ग्रीन एल्गी के केस में सेकेंड पॉइंट इज सेलवोल कंटेन इनर सेलुलोज एंड एन आउटर पैक्टोज लेयर सेलुलोज सॉरी बेसिकली सेल वॉल दो लेयर से मिलकर बनी होती है जो इनर लेयर होती है वो सेलुलोज की होती है और जो आउटर लेयर होती है वो पैक्टोज मिलकर बनी होती है थर्ड पॉइंट इज पिगमेंट आर सिमिलर टू दोज ऑफ हायर प्लांट ग्रीन एल्गी के केस में वही ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो हायर प्लांट के, के केस में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल ए बी जो सनलाइट को अब्जोर्व करते हैं और रिएक्शन सेंटर डेट इज क्लोरोफिल मोलिक्यूल को देते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज फूड रिजर्व इज स्टार्ट एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट ग्रीन एलगी के केस में जो रिजर्व फूड मटेरियल की तरह एक्ट करता है वो होता है स्टार्च क्योंकि इसके पास अपना खुद का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस को करने के लिए कैपेबल होती है फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है ग्लूकोज जो आगे कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज और स्टार्च में सो ग्रीन एलगी के केस में जो रिजर्व फूड मटेरियल की तरह काम करता है वो है स्टार्च कुछ केसेस ऐसे होते हैं या कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं ग्रीन एलगी के केस में जो रिजर्व फूड मटेरियल को एज ए ऑयल ड्रोपलेट की फॉर्म में भी स्टोर करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोरोफिल जर्नली कंटेन पायरिनोट्स फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च क्लोरोप्लास्ट के अंदर जर्नली पायरिनोट्स कंटेन होते हैं जो स्टार्च की क्या करते हैं स्टोर करने का काम करते हैं पायरिनोड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च पायरिनोड के अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है स्टार्च के साथ साथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर बाय फ्रेगमेंटेशन बेसिकली ग्रीन एलगी के केस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू होती है मींस ग्रीन एलगी का जो प्लांट होता है वो छोटे छोटे प्लांट छोटे छोटे प्लांट बॉडी में ब्रेकडाउन हो जाता है और यही छोटे छोटे पार्ट फेवरेबल कंडीशन में फुली प्लांट बॉडी में डिवलप हो जाते हैं यही मेथड होता है फ्रेगमेंटेशन का नेक्स्ट पॉइंट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्लैजिलेटेड स्पोर्ट्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली फ्लैजिलेटेड स्पोर्ट्स के थ्रू होती है इसमें से कॉमन है डेट इज द जूस स्पोर्स अपलानोस्पोर्स हाइपनोस्पोर्स ए काइनेट्स और ओटोस्पोर्ट्स इसमें से जो जूस जूसपोर्स की प्रोडक्शन होती है वो फेवरेबल इन्वॉर्मेंट में होती है बाकी अपलानोस्पोर्स हाइपनोस्पोर एक आइनेट्स और ओटोस्पोर्स की प्रोडक्शन बेसिकली अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर होती है नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसीडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली कंसीडरेबल वेरिएशन शो करता है इन द टाइप एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल एंड द मेथड इंक्लूड आइसोगेमी अनाइसोगेमी एंड द ओगैमी आइसोगेमी के केस में फ्यूज़न होता है गैमिट्स का बिटवीन द सिमिलर गैमिट्स जब सेम साइज़ के गैमिट्स आपस में फ्यूज़न करते हैं उसे ही आइसोगी बोला जाता है अगर अनाइसोगी की बात करें तो यहाँ पर जो फ्यूज़न होता है गैमिट्स के बीच में वो दो डिफरेंट या दो डिसिमिलर गैमिट्स के बीच में होता है उसके अलावा अगर ऊ की बात की जाए तो ऊ में फ्यू उमी बेसिकली फ्यूजन होता है बिटवीन द मोटाइल मेल एंड द नॉन मोटाइल फीमेल के बीच में नेक्स्ट पॉइंट इज थ्री टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल अकर इन ग्रीन एलगी फर्स्ट वन इज द हेप्लोंटिक सेकेंड वन इज द डिप्लोंटिक एंड द थर्ड वन इज दिप्लोंटिक थ्री टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ग्रीन एलगी केस में प्रेजेंट होती है एक होती है हेप्लोंटिक ऐसे प्लांट या ऐसे मेंबर जिनके अंदर डोमिनेटिंग फेस गैमिटोफाइटिक होता है उसको हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल बोला जाता है और जिसके अंदर स्पोरोफाइटिक एज ए डोमिनेंट फेस की तरह काम करता है या स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी ही प्रेजेंट होती है उनकी लाइफ साइकिल के अंदर उसको डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल बोला जाता है और जिन प्लांट या जिन मेंबर के अंदर ग्रीन एलगी के केस में हेप्लोइड एज वेल एज डिप्लोइड मीन्स गैमिटोफाइटिक एज वेल एज स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी दोनों ही प्रेजेंट होती हैं उसको हम बोलते हैं हेप्लोडिप्लोंटिक नेक्स्ट इज इन हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल द डोमिनेटिंग फेज इज हेप्लोइड इट इज करैक्टराइज बाय जाइगोटिक म्योसि इसके केस में क्या होता है जब दो गैमिट्स आपस में फ्यूज़ करके जाइगोड की मियोसिस कर सॉरी जाइगोड की फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें मियोसिस होने के बाद वो फिर से हैप्लोइड बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स एंड द स्पायरो नेक्स्ट पॉइंट इज इन डिप्लोटिक लाइफ साइकिल द डोमिनेटिंग फेस ऑफ द एलगी इज डिप्लॉइड डिप्लोटिक लाइफ साइकिल के अंदर जो डोमिनेटिंग फेस होता है वो है डिप्लोइड इट गिव राइज टू हेप्लोइड गैमिट थ्रू मियोसिस ये हेप्लोइड गैमिट्स की प्रोडक्शन करता है थ्रू द मियोसिस नेक्स्ट पॉइंट इज इन हेप्लो डिप्लोटिक लाइफ साइकिल प्रोसेस वेल डिवलप्ड मल्टी सेलुलर हेप्लोइड एंड डिप्लोइड थैलेस हेप्लोइड-डिप्लोइड लाइफ साइकिल के अंदर वेल डिवलप्ड मल्टी सेलूलर हैप्लोइड एज वेल एज डिप्लोइड थैलस प्रेजेंट होते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैलस ऐसी प्लांट बॉडी जिसको हम लीव स्टेम एंड रूट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उसे ही थैलस बोला जाता है इट इज़ करेक्टराइज बाई स्पोरिक म्यूसिस इसमें जो बेसिकली करेक्टरिस्टिक इसका जो फीचर होता है वो होता है स्पोरिक म्योसिस सो ये थे ग्रीन एल के कुछ करैक्टरस्टिक्स फीचर इसके अलावा हम रेड एल और ब्राउन एल के भी करैक्टरस्टिक्स फीचर के बारे में पढ़ेंगे आने वाली वीडियो के अंदर तब तक के लिए कीप लर्निंग थैंक यू